गाइस फेविकॉल एप्लीकेशन में जैसा कि दिख रहा है पेन डिटेल्स रिजेक्ट। गाइस आज की इस वीडियो में पेन डिटेल्स रिजेक्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूँ। मेरा अभी फेविकॉल एप्लीकेशन में कंप्लीट वेरीफाई था, लेकिन अभी पेन डिटेल्स रिजेक्ट हो चुका है, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। गाइस मैं हूँ सुबुल, आप देख रहे हो सुबुल 9 RM टेक्निकल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वाला फेविकॉल FSC एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेता हूँ। फेविकॉल एप्लीकेशन को लॉगिन करने के बाद इस तरह इंटरफेस पे दिखाई देगा। जैसा कि तीसरा नंबर में KYC ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं KYC ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, KYC ऑप्शन में क्लिक करने पर इस तरह इंटरफेस पे दिखाई देगा। जैसा कि मेरा दिख रहा है पैन डिटेल्स रिजेक्ट हो चुका है। जो भी रिजेक्ट आइकन ऑप्शन दिख रहा है उसमें क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं रिजेक्ट ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, रिजेक्ट में क्लिक करने पर इस तरह इंटरफेस पे दिखाई देगा। आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको दिखाई देगा। जैसा कि मेरा दिख रहा है एडिट ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं एडिट ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ, एडिट ऑप्शन में क्लिक करने पर इस तरह इंटरफेस पे दिखाई देगा। अपना जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको डाल देना है। जैसा कि मैं अपना पैन कार्ड नंबर भर लेता हूँ, पैन कार्ड नंबर भरने के बाद सबमिट ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। सबमिट ऑप्शन में क्लिक करने पर इस तरह इंटरफेस पे दिखाई देगा। उसके बाद कंफर्म ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं कंफर्म कर लेता हूँ, जैसा कि एरर दिख रहा है, एरर दिखने का रीजन क्या है ओके करके दोबारा चेक कर लेता हूँ। फिर से सबमिट कर देता हूँ, कंफर्म ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि मेरा स्क्रीन में दिख रहा है फिर से एरर, बार बार ट्राई करने पर एरर दिख रहा है, नहीं होगा कंप्लीट वेरीफाई, बात करना होगा कस्टमर केयर से। आपका फेविकॉल अकाउंट जो भी बनाए थे, जैसा कि फेविकॉल मैनेजर से बात करना होगा। मेरा फेविकॉल एप्लीकेशन में पैन डिटेल्स कंप्लीट वेरीफाई था, लेकिन मेरा अभी रिजेक्ट हो चुका है, क्या करें? फेविकॉल मैनेजर जो भी बोलेंगे आपको मानना होगा, क्योंकि रिजेक्ट को कंप्लीट करना और तरीका नहीं है, या फेविकॉल एप्लीकेशन में कस्टमर केयर से बात करना होगा। अगर आपको फेविकॉल एप्लीकेशन में कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा, या स्क्रीन में भी नंबर दिख रहा है। अगर आपका फेविकॉल में अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, इस वाला प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, नहीं तो बाद में अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फेविकॉल एप्लीकेशन में कंप्लीट KYC है कि नहीं चेक कर लेना है। कंप्लीट KYC चेक करने के लिए KYC ऑप्शन में क्लिक कर देना है। KYC ऑप्शन में क्लिक करने पर इस तरह इंटरफेस से दिखाई देगा। अगर आपका कंप्लीट KYC रहेगा, वेरीफाई दिखेगा। जैसा कि मेरा पैन डिटेल्स में रिजल्ट दिख रहा है, मैंने भी फेविकॉल मैनेजर से बात किया हूँ, बोला है आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पैन डिटेल्स रिजल्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो गाइस आपको जानकारी हो गया होगा फेविकॉल एप्लीकेशन में पैन डिटेल्स रिजल्ट को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं। गाइस इस वाला चैनल में फर्नीचर में कूपन पैसिटी 70 का वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वाला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नए वीडियो सबसे पहले बने के लिए।